हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इस 3D विजुअल एनिमेशन के हेल्प से अलग अलग टाइप के फास्टनर, स्क्रूज और बोल्ट्स के बारे में बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि ये स्क्रूज आपस में एक दूसरे से डिफरेंट कैसे होते हैं और इसके अलावा इनका यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में आगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहे और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले। चलिए आइए कुछ सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, टोटल ये 18 अलग अलग टाइप के फास्टनर, बोल्ट्स एंड स्क्रू है। मैं एक एक करके आपको इन सब के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आते हैं इस एक नंबर वाले पे। तो ये है हमारे पास हैंगर बोल्ट्स। इसके एक एंड में वुड थ्रेड होता है। तो ये जो इसका एंड होता है, ये नीचे वाला, इसमें वुड थ्रेड होता है, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला एंड है, इसमें मशीन थ्रेड होता है, ठीक है। ये वुड में होल करते हैं इससे हम लोग, और ये मशीन थ्रेड होता है, इसमें मशीन लॉक होता है इसके साथ ही। तो इसको हम लोग कहते हैं हैंगर बोल्ट्स। देन जो अगला है वो है हमारा ये दो नंबर, ये हमारा आई बोल्ट्स। इसके हेड में एक सर्कुलर रिंग होता है। इसको यूज किया जाता है रोप और चेन को अटैच करने के लिए। इस आई बोल्ट्स का यूज किया जाता है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये कंप्लीटली राउंडेड है और ये यहाँ पे बीच में स्पेस रहता है। आपने देखा होगा इस तरह का बोल्ट्स को। देन जो अगला है वो हमारे पास ये है, थर्ड है, ये है आई लैक्स। ये भी सेम हमारा आई बोल्ट्स की तरह ही होता है, लेकिन इसका डिजाइन सेम होता है, लेकिन इसमें अंतर ये होता है कि इसका जो थ्रेड होता है, ये वाला जो थ्रेड होता है वो वुड का होता है, ठीक है। मशीन का थ्रेड नहीं होता है। इसमें जो थ्रेडिंग होता है आप देख सकते हो, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये हमारा मशीन का थ्रेड और ये हमारे पास है ये वुड का थ्रेड। दोनों में यही डिफरेंस होता है। देन जो हमारे पास अगला है वो हमारे पास ये यू बोल्ट्स, ठीक है। इस तरह का होता है ये यू बोल्ट्स। ये यू शेप का होता है और इसका यूज करते हैं हम लोग पाइप और अदर राउंड सरफेस को अटैच करने के लिए किया जाता है। यहाँ के बीच से पाइप जाता है, इसको टाइट कर देते हैं हम लोग। तो इस तरह से यू बोल्ट का यूज किया जाता है। देन जो अगला है वो हमारे पास है जे बोल्ट्स। ये इस तरह कुछ जे के शेप में होता है, इसलिए हम लोग उसको कहते हैं जे बोल्ट्स। और इसका यूज किया जाता है एज टाइड ऑन्स, मतलब कि आपने देखा होगा बहुत से घर में एस्बेस्टस लगे होते हैं और उसके नीचे में जो रॉड जाता है तो उसको एक दूसरे को जोड़ने के लिए इस तरह के जे बोल्ट्स का हम लोग यूज करते हैं, ओके। देन जो फ्रेंड्स हमारे पास अगला है वो है ये, मैं जूम कर लेता हूँ यहाँ पे इसको। तो ये है हमारे पास थ्रेड कटिंग मशीन स्क्रूज, ठीक है। इसका मैं हेड दिखाता हूँ एक बार आपको। ये इस तरह का इसका हेक्सागोनल हेड होता है, ठीक है। ये मशीन स्क्रूज थ्रेड कटिंग पॉइंट के साथ आता है, ठीक है। इसके आप जो अब नीचे मैं दिखाऊंगा मैं आपको इसका, तो आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे में थ्रेड कटिंग इस तरह का रहता है शेप इन तरह के स्क्रू का, ओके। देन जो अगला हमारे पास है वो है, ये दोनों सेम है फ्रेंड्स, बस डिफरेंस ये दोनों के हेड में डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे हेक्सागोनल शेप है, यहाँ पे एक जो पट्टी टाइप का शेप है, ठीक है। और हेक्सागोनल इसका नट मतलब इस तरह का दिया रहा है यहाँ पे। दोनों में यही है, दोनों ही थ्रेड कटिंग मशीन स्क्रूज है। देन जो अगला है हमारे पास वो है हेक्स बोल्ट्स, ओके। इन बोल्ट्स का हेड हेक्सागोनल होता है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ एक बार आपको। तो ये रहा इनका जो हेड है वो हेक्सागोनल होता है और इन्हें नट और टैब्ड होल के साथ यूज किया जाता है, ओके। और इन दोनों जो ये दोनों हेक्सी बोल्ट्स है, इसमें डिफरेंस ये कि इसमें फुल थ्रेड है और इसमें हाफ थ्रेड रहता है। तो ये जो अगला है वो हमारे पास बैरल नट, ठीक है। ये कंप्लीटली नट होता है, इसमें कोई भी थ्रेड नहीं होता है। अब ये इसके बाद अगला हमारे पास ये है मेटिंग स्क्रूज। तो इनका शोल्डर का डायमीटर, यानी जो ये शोल्डर पोर्शन है, जूम करके दिखाता हूँ, ये जो पोर्शन है, ठीक है, इनका शोल्डर का जो डायमीटर है साथ में यूज किया जाता है वाले वाले जो बोल्ट हम लोग इनके साथ यूज करते हैं ना, उसको मैच करता है, ठीक है। जो इसके नीचे से हम लोग अंदर से बोल्ट लगाएंगे इस तरह के स्क्रू के साथ, तो वो उसके साथ इसका शोल्डर मैच करता है। देन जो अगला है हमारे पास वो है 10 नंबर, ये है एलिवेटर बोल्ट्स। इन्हें कन्वेयर सिस्टम में यूज किया जाता है। इनका हेड लार्ज और फ्लैट होता है, ठीक है। मैं हेड दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ठीक है, इसका हेड जो है वो लार्ज और फ्लैट होता है। देन जो अगला है हमारे पास वो है शोल्डर बोल्ट। तो इसको हम लोग स्ट्रिपर बोल्ट्स भी कहते हैं, ठीक है। इनका यूज पिवट पॉइंट क्रिएट करने के लिए किया जाता है शोल्डर बोल्ट का। ये कुछ इस तरह के शेप में होता है, इसका हेड में यहाँ पे स्लॉट बना रहता है इस तरह का,
ओके, देन जो हमारे पास अगला है वो है ये 12 नंबर जो कि है वुड स्क्रूज। इनके यूज वुड में क्या जाता है, इनमें स्मूथ शैंक और टेपर पॉइंट होता है। आप देख रहे हो यहाँ पे नीचे में एकदम टेपर्ड पॉइंट रहता है, ठीक है। इसका इसको यूज हम लोग वुड वगैरह में करते हैं इस तरह के स्क्रूज का। देन फ्रेंड्स ये अगला है, और ये दोनों दो, ये जो दो हैं ये और ये दोनों ही वुड स्क्रूज हैं, ठीक है। लेकिन बस डिफरेंस का हेड में है, आप देख सकते दोनों का हेड में चेंजेस, यानी कि दोनों को जो हम लोग टाइट करने के लिए अलग अलग तरह का स्क्रू ड्राइवर का यूज करना पड़ेगा। इन दोनों में बस यही डिफरेंस है। देन जो इसके बाद हमारे पास अगला है वो है ये मशीन स्क्रूज। तो इनको हम लोग नट्स और टैब्ड होल के साथ यूज करते हैं। ये दोनों ही मशीन स्क्रू है, और इसमें भी जो हेड है उसमें डिफरेंस है बस। देन जो हमारे पास अगला है वो ये 14 नंबर है जो कि है सेल्फ ड्रिलिंग SMS। ये है सेल्फ ड्रिलिंग SMS, ये है दोनों का हेड अलग अलग है। इसके बारे में आपको बताता हूँ कि ये शीट मेटल स्क्रू होते हैं और इनके एंड में सेल्फ ड्रिलिंग पॉइंट होते हैं। आप देखो नीचे में दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये आप देख सकते हो कि इसके जो नीचे में है आपका जो एंड में वो सेल्फ ड्रिलिंग पॉइंट होता है, यानी कि ड्रिल की तरह ही ये नीचे होल करते हुए चला जाता है, और इनका यूज हम लोग शीट मेटल में करते हैं। देन जो अगला है वो ये 15 नंबर है, वो है लैग बोल्ट। तो इनका थ्रेड वुड का होता है, ठीक है, ये थ्रेड है वो वुड का होता है, और इनका टिप पॉइंटेड होता है, इसी से पहचान में आ जाता है कि ये लैग बोल्ट है, और ये हेक्सागोनल इसका हेड होता है। देन जो अगला है वो 16 नंबर, वो है कैरेज बोल्ट। इनका हेड स्मूथ और राउंडेड होता है, ये देख सकते हो ये डोम के टाइप का होता है, कुछ इस तरह से स्मूथ और राउंडेड होता है, और नीचे में जो है स्मॉल स्क्वायर सेक्शन होता है, नीचे में थ्रेड होता है जो स्मॉल स्क्वायर सेक्शन होता है, इस तरह से पहचान में आता है कैरेज बोल्ट है। ये भी कैरेज बोल्ट है, और ये भी जो ये वाला है ये भी कैरेज बोल्ट है, बस दोनों का जो हेड है वो अलग अलग है, यानी कि दोनों में अलग अलग स्क्रू ड्राइवर का यूज होगा इनको टाइट करने के लिए फ्रेंड्स, ठीक है। देन अगला जो है ये 17 नंबर है, ये है सॉकेट स्क्रूज। इसको हम लोग एलन हेड कहते हैं, और इसका क्या होता है ना कि ये हेक्स एलन रेंच के साथ जकड़ा हुआ होता है, इसलिए हम लोग इसे एलन रेंच भी कहते हैं। ये देखो आप इसका शेप इस तरह से कुछ है, राउंडेड यहाँ पे रहता है, यहाँ पे कुछ हेक्सागोनल शेप रहता है, यहाँ पे शॉर्ट कटा रहता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सॉकेट स्क्रू। देन जो आखिरी हमारे पास है वो है ये है हमारे पास शीट मेटल स्क्रूज, ठीक है। ये दोनों शीट मेटल स्क्रूज हैं, दोनों के हेड अलग अलग हैं, इसमें स्लॉट है, इसमें कुछ मतलब कि स्क्वायर शेप प्लस साइन इस तरह का शेप कुछ दिया रखा है, ओके आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये था हमारा शीट मेटल स्क्रूज। तो इनका यूज हम लोग ऑब्वियसली बात है शीट मेटल में करते हैं, और नीचे से ये पॉइंटेड होते हैं, और ये फुल्ली थ्रेडेड होते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह के स्क्रू का थ्रेड जो है फुल्ली होता है, थ्रेडेड होता है, नीचे में पॉइंटेड होता है। तो फ्रेंड्स ये थे टोटल 18 अलग अलग टाइप के स्क्रूज, मैंने आपको एक एक करके बताया कि इनका मतलब फंक्शन क्या होता है, एक दूसरे से डिफरेंस कैसे होता है, इनका यूज़ कैसे करते हैं हम लोग अलग अलग। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप बहुत कुछ जान गए होंगे इन स्क्रूज के बारे में, इन बोल्ट्स के बारे में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और नीचे कॉमेंट करके जरूर मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, गुड बाय।